Hello students, how are you all? Hope you all are fine in your homes. आज मैं आपको explain करने वाला हूँ class 11th Hornbill book से The Silk Road, जो कि लिखा है Nick Middleton ने। तो आइए देर न करते हुए इस chapter को समझते हैं। Silk Road is about the author's journey which starts from the slopes of Ravu to Mount Kailash। ये एक author की journey के बारे में है, जो कि Mount कैलाश के लिए रावू से। दिस वॉज टू कम्प्लीट द कोरा, ये कोरा को कम्प्लीट करने के लिए। कोरा मीन्स परिक्रमा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जो हमारे ऑथर हैं वो रावू से माउंट कैलाश जाते हैं। अब बेसिकली जो ये रोड है, जिस रोड से ट्रेवल करते हैं, एंशियंट टाइम में कभी यहाँ पर सिल्क का ट्रेड किया जाता था, इसलिए इसे सिल्क रोड कहा जाता है। सो ये जो स्टोरी है, ये बेसिकली ऑथर की जर्नी है, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एंड मोर ओवर द मेन एम ऑफ द जर्नी वॉज द रिलीजियस मोस्टली, और इसका मेन एम है जर्नी का वो रिलीजियस है, क्योंकि वो एक परिक्रमा करने चाहते हैं माउंट कैलाश की। ओके, द स्टोरी इज अबाउट द ट्रैक एज वी डिस्कस नाउ। द स्टोरी इज अबाउट द ट्रैक दैट ऑथर टुक विथ टीसन। टीसन कौन है यहाँ पर? टीसन सेटन इसको कहा गया, टी साइलेंट है यहाँ पर। सेटन वो एक गाइड है, एक ड्राइवर है, जो हमारे ऑथर अपने साथ ले लेते हैं। उसके साथ में एक और व्यक्ति जाता है जिसका नाम है डेनियल, जो कि रावू से माउंट कैलाश तक ऑथर के साथ जाता है। क्या करने के लिए? कोरा, कोरा मीन्स परिक्रमा करने के लिए, जो कि एक स्पिरिचुअल वैल्यू है जिसकी, क्योंकि हमारे ऑथर ने काफ़ी कुछ सुना है वहाँ की स्पिरिचुअल मैजिक के बारे में, लेक मानसरोवर के बारे में और माउंट कैलाश के बारे में, और वो खुद एक्सपीरियंस करने चाहते हैं। अब इसके लिए जैसे उनकी जर्नी शुरू होती है, तो वो पैक कर लेते हैं अपने कुछ शीप स्किन क्लोथ्स पैक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जो वेदर है वो बहुत ठंडा होता है। तो शीप स्किन क्लोथ्स वो ले लेते हैं साथ में, और फिर वो एक कार हायर करते हैं, किराए पर कार लेते हैं जिससे सेटन ड्राइव करेगा। दे टुक अ पाथ लेडिंग साउथ वेस्ट फ्रॉम हासा टू काश्मीर। वो एक पाथ लेते हैं जो कि साउथ वेस्ट की तरफ से है, जो कि फ्रॉम हासा टू काश्मीर के लिए जाता है। यहाँ पर एक एंशियंट फेवरेट ट्रेड है, मतलब एक एंशियंट कहानी है जो ये बताती है कि ये रोड क्या कहलाती है, सिल्क रोड, क्योंकि एंशियंट टाइम पे यहाँ पर कभी सिल्क का व्यापार हुआ करता था। दे केम अक्रॉस ब्यूटिफुल नेचुरल साइट्स ऑफ फ्लीट गेजल्स। गेजल्स डियर के जैसे ही एक जानवर होता है, तो जब वो जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे नेचुरल साइट्स दिखती हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स दिखते हैं, वैलीज दिखती हैं, याक्स दिखते हैं, तिब्बतन मैस्टिफ्स दिखते हैं, तो काफ़ी सारे इनहेबिटेंट्स हैं उसमें। उनको नोमेडिक ट्राइब्स भी दिखते हैं, नोमेडिक मतलब बंजारे, जो इधर उधर जाके घर बनाते हैं, रहते हैं। तो माउंटेन्स में जब वो जाते हैं, उनको ये सारी चीज़ें दिखती हैं। एज द एलिवेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज, मतलब जैसे अब एक ऊँचाई पर हमारे ऑथर जाते रहते हैं, तो उनको काफ़ी एयर प्रेशर महसूस होता है, एयर की कमी होने लगती है। अब बेसिकली उसको सही करने के लिए जो सेटन रहता है, वो गैस टैंक भी ओपन कर लेता है, ताकि मतलब जो वेपराइज है वो उड़ जाए फ्यूल का, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता हमारे ऑथर को, और वो फिर कुछ देर रुकते हैं वहाँ पर जिससे उनको कुछ अच्छा लगे। सेटन वॉज एबल टू ड्राइव इट टिल द स्मॉल टाउन ऑन द बैंक ऑफ लेक मानसरोवर कॉल्ड होर। सेटन फिर उसके बाद ड्राइव करते हैं, एक छोटा सा गांव रहता है जिसका की नाम है होर, जहां पर मानसरोवर लेक है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद वो थोड़ा स्टे करते हैं। द ऑथर फाउंड द साइट ऑफ लेक डिसअपॉइंटिंग, द टाउन इवन मोर डिजोलेट एंड मॉर्बिड। दे हैड सम टी एंड देन डेनियल बोर्डेड अ ट्रक बैक टू हासा। ऑथर को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, बेसिकली उनको अच्छा फील नहीं हो रहा, और वहाँ से फिर जो उनके साथ डेनियल आया था वो वापस चला जाता है ट्रक में, और ऑथर और सेटन आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। द ऑथर एंड सेटन वेंट अहेड विद अ जर्नी टू डार्चिन। फिर वहाँ से उन लोग जर्नी करते हैं होर से साथ में, और कहाँ तक करते हैं? डार्चिन तक। हेयर द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द ऑकर वॉर्सेंट, मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम रहती है ऑकर की, वो और वॉर्स हो जाती है और ख़राब हो जाती है उनकी तबीयत। और जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बेसिकली अब वो डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, थोड़ा स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है।
सैटर्न वहीं पर उनको एक डॉक्टर के पास ले जाता है, कुछ मेडिकल चेकअप होता है उनका, और डॉक्टर उनको 5 डे का रेस्ट कुछ दवाई के साथ एडवाइस करते हैं। आफ्टर रिलैक्सिंग स्लीप, सोने के उस रात वो सोने के बाद ऑथर डिसाइड करता है कि वो फाइनल अपनी जो बची है माउंट कैलाश की यात्रा उसे पूरा करेगा। अब कुछ समय बीत चुका है और सैटर्न वापस जाना चाहता है हासा, अब क्योंकि उसको अदर टूरिस्ट को फाइंड करना है वहाँ पर, इसलिए वो वापस चाहता है। तो आगे की जर्नी ऑथर को खुद ही करनी पड़ेगी। नाउ ऑथर सेट एट अ लोकल कैफे वेटिंग टू फाइंड अदर पिलग्रिम हु कुड एकम्पनी हिम टू डू द कोरा इन द माउंटेन टॉप। अब ऑथर इंतज़ार करते हैं दूसरे किसी यात्री के आने की, कि दूसरा कोई और तीर्थ यात्री आएगा, पिलग्रिम आएगा, तो उसके साथ वो आगे की यात्रा को पूरा करेंगे। और वो ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा यात्री हो जो इंग्लिश जैसे जानता हो बेसिकली, क्योंकि ऑथर से इंग्लिश बनती है। तो हमारे ऑथर काफ़ी वेट करते हैं कि कोई उसे कंपनी के लिए मिल जाए बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर जो पिलग्रिम्स है काफ़ी कम है, उतने ज़्यादा यात्री वहाँ पर जाते नहीं हैं। तो ऑथर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ को लेकर। लेकिन सडनली वहाँ पर एक ऑथर को एक साथी मिलता है अपना, जो बाद में उनका साथी बनता है, उसका नाम है नोरबू। नोरबू एक तिब्बतियन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग के लिए काम करता है, और यहाँ पर वो रिसर्च करने के लिए आया है। वो प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म नहीं है, वो कोई अपनी रिलीजियस जर्नी नहीं कर रहा है, वो बेसिकली रिसर्च करने आया है ये स्पिरिचुअल माउंटेन की, कैलाश पर्वत की और कोरा के, कि लोग यहाँ कोरा क्यों किया करते हैं। दे बोथ चैटेड फॉर अ होल एंड देन हायर्ड याक टू हॉल दियर थिंग्स। थोड़ी देर वो बात करते हैं, उसके बाद वो याक हायर करते हैं, क्योंकि अब वो उतनी ऊंचाई में पहुंच चुके हैं कि अब वो गाड़ी नहीं जा सकती उसके आगे। और जो सैटर्न था उसने अपना पूरा काम कर दिया, उनको यहाँ तक पहुँचा दिया और वो वापस चला गया। अब यहाँ से वो याक में आगे की जर्नी करेंगे। वैन दे रीच द समिट ऑफ द माउंट कैलाश, जब माउंट कैलाश के वो समिट यानी वो ऊंचाई मेन पॉइंट पे पहुँचते हैं, ऑथर वहाँ पर कोरा परफॉर्म करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। एंड प्रोस्ट्रेटेड वाइल नोरबू ऑब्जर्व द प्लेस फॉर हिज रिसर्च, वो अपना काम कंप्लीट करते हैं जबकि नोरबू वो प्लेस उसके लिए रिसर्च की है, तो वो रिसर्च में कुछ कुछ फाइंड करता रहता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी द सिल्क रोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कहीं तकलीफ हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टिल देन।